समर्थन में आए हुए हैं? जी बिल्कुल, हम समर्थन में आए हुए हैं। जिस सरकार का यह नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के ऊपर अगर अन्याय हो रहा है, उन्हें FIR एक छोटी सी FIR दर्ज कराने के लिए महीनों तक संघर्ष करके गई, और यहाँ पे जो है खेल मंत्री आए अनुराग ठाकुर जी, 10 मिनट 12 मिनट बात किए और 12 घंटा बैठा था, उसके बाद भी जो है कि इनकी FIR दर्ज नहीं हो पाई। उस ये जो है कि देश के लिए मेडल लाए लोग, देश के जो है कि सर्वोच्च जाने माने लोगों की ये स्थिति है, तो आम नागरिक और आम महिलाओं की क्या स्थिति हो? जी बिल्कुल, अपने सम्मान के लिए बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि देश में जो आम महिलाएं हैं, आम नागरिक हैं, उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहा होगा। आपको लगता है कि BJP के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पदों से इस्तीफा देंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, BJP को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, BJP एकदम तानाशाही पे उतर गई है। क्या अजय टेनी के ऊपर कुछ हुआ? उन्होंने किसानों को रौदा? यहाँ पे बेटियों की सम्मान की बात है, और किसी BJP के एक मंत्री एक सांसद का बयान अभी तक नहीं आया है कि इन्होंने गलत किया है, इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। तो क्या देश के युवा और देश के बेटियां सही मतलब अपने सम्मान के लिए बढ़ते रहेंगे, देश के लिए मेडल लाएंगी और उनका मजाक बनाता रहेगा सरकार? ये BJP की सरकार जब तक रहेगी, जब तक इसके सांसद, सभी सांसद इसके इसी तरह के हैं, अमूमन इतने FIR होने के बाद किसी विपक्षी दल का या सांसद होता तो इसका इनकाउंटर है जेल में कहां होता, लेकिन इनका बस एक पद है कि BJP के हैं, इनके ऊपर कुछ भी एक छोटी सी FIR नहीं हो पा रही। बेटियां अपने सम्मान के लिए, बहनें अपने सम्मान के लिए यहाँ पे लड़ रही हैं, इनका पानी बंद कर दिया गया, बिजली काट दी गई। आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कई दिनों से देख रहा था, मेरी छुट्टी हुई, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मैं इनके समर्थन देने के लिए आया हूँ। बिल्कुल धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जिस देश की बेटियां युवा सम्मान के लिए देश के लिए मेडल आ रही है, वो अपने सम्मान के लिए धरने पर बैठे हुए, तो आप देख सकते हैं।